हेलो दोस्तों, आप सब कैसे। आज मेरे पास आया है यामाहा लिबारो। इस बाइक का जो प्रॉब्लम हो रहा है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम, मैंने तो पहले इसका जो पेट्रोल वो चेक किया हूँ, पेट्रोल भी है, उसके बावजूद स्टार्ट नहीं ले रहा है। तो क्या क्या चीज़ चेक करना है अभी, और इस वीडियो के जरिए से आप दिखाने वाला हो, जो दोस्त कम सीख रहे हो उस दोस्त के लिए बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है ये वीडियो। और मिस्त्री दोस्त को पता ही है कैसे चेक करना है, कौन सा चीज़ के वजह से स्टार्ट नहीं ले रहा है। तो आइए पहले इसको स्पार्क प्लग तक फायरिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो दिखाता हूँ। मैंने तो पहले अब इग्निशन स्विच ऑन किया हूँ, अभी मेरे को इधर चेक करना है करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले इसको खोल लेता हूँ। देखिए दोस्त, एक खोलने का काम हो गया। अभी इधर फायरिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखना है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, और करीब से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए तो इस तरह इधर फायरिंग नहीं आ रहा है, तो कैसे चेक करना है, कौन सा आर के वजह से एक फायरिंग नहीं आ रहा है, नहीं तो क्या खराबी आया है। तो पहले मेरे को मैग्नेट साइड से जो वायर आता है उस वायर को चेक करना है। अभी आपको एक वायर की जानकारी देने वाला हूँ। ये पहले मैग्नेट से जो वायर आता है उस वायर के बारे में पहले बताता हूँ, उसके बाद CDI, उसके बाद ST कॉइल, अभी सभी वायर के बारे में। ये स्टार्ट ना ले तो कैसे चेक करना है। देखिए दोस्त, ये मैग्नेट से ये वायर आ रहा है, तो एक जैक में चार वायर रहता है, ये चार वायर, और एक में दो वायर रहता है। ये चार वायर वाला जैक में ये जो चार वायर है कौन सा किधर से आता है। देखिए ये जो येलो वायर आता है ये लाइट कॉइल का होता है, और ये व्हाइट वायर ये होता है बैटरी चार्ज करने का। उसके बाद ब्लू, ये ब्लू होता है न्यूट्रल लाइट का, और ब्लैक बॉडी अर्थ का। तो ये सही हो तो कैसे पता चलेगा, इसलिए ये चेक भी कैसे होगा अभी आपको वायर के जरिए से चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। देखिए ये व्हाइट वायर, व्हाइट वायर में एक वायर इस तरह डाला हूँ, उसके बाद किक दबाने से इधर करंट आना चाहिए। अब किक दबा के भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसमें करंट आ रहा है, करंट आ रहा है। उसके बाद लाइट का प्रॉब्लम हो तो ये जो येलो वायर, येलो वायर में एक डाला हूँ। देखिए देखिए ये आ रहा है, देखिए येलो वायर में भी करंट आ रहा है। स्टार्टिंग का ये जो चार वायर, इसके साथ कोई संबंध नहीं है। अभी मेरे को चेक करना है ये जो पिकअप कॉइल, ये पिकअप कॉइल खराब होने से स्टार्टिंग प्रॉब्लम आता है मैग्नेट से जो वायर उसके साथ, ये पिकअप कॉइल का वायर के साथ स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है। अभी स्टार्टिंग का प्रॉब्लम हो तो मेरे को क्या करना है, इधर पिकअप कॉइल का जो करंट इधर आता है आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखना है। तो ये पिकअप कॉइल वायर के जरिए से चेक होता नहीं है, तो अभी वो भी आपको देखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये पिकअप कॉइल, अभी इधर बॉडी में टच ठीक दबाने का टाइम बॉडी में टच करने से करंट आएगा नहीं। देखिए नहीं आ रहा है, तो पिकअप कॉइल को कैसे चेक करना है। पिकअप कॉइल को चेक करने के लिए मल्टीमीटर जरूरी है, तो मल्टीमीटर सेट किधर करना है, ये जो वाईफाई मोड अब देख पा रहे हैं, ये कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। तो अभी इधर मैंने सेट किया हूँ। उसके बाद ये पिकअप कॉइल का दो वायर में दो डाल रहा हूँ, दो डालने से इधर रीडिंग आना चाहिए 220 के ऊपर ही आना चाहिए। तो अभी कितना आ रहा है वो देखिए, देखिए एक में एक डाल दिया, अभी दूसरा में, देखिए 240 आ रहा है। उसके मतलब इसका पिकअप कॉइल वो भी सही है, उसके बावजूद गाड़ी स्टार्ट नहीं ले रहा है। तो क्या करना है, मेरे को CDI तक चेक करना है।
अभी सीडीए में कौन सा किधर से आता है वो भी देखना है, और इधर से जो सीडीए में जा रहा है मैग्नेट पिकअप कॉइल का वायर सीडीए तक जा रहा है वो भी चेक करना है, और सीडीए तक सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और अंदर से काटा हुआ कि नहीं है वो भी चेक करके देख लेना है। अभी एसीडीआई को मैं बाहर किया हूँ। अभी सीडीआई में 6 वायर रहता है, एक टोटली खोल देता हूँ, खोल के दिखाता हूँ। देखिए ये पिकअप कॉइल का 2 वायर आप देख पा रहे हैं, ये 2 वायर भी इधर आया है, 2 वायर देखिए नीचे अलग कलर था अभी ऊपर अलग हो गया, अब वो 2 वायर इधर है। इधर भी आप मल्टीमीटर के जरिए से चेक कीजिए दोस्तों। उसके बाद ये 2 ब्लैक वायर आप देख पा रहे हैं, ये जो 2 ब्लैक वायर ये बॉडी अर्थ का 2 ब्लैक वायर होता है, और ये ऑरेंज वायर आप देख पा रहे हैं, ये ऑरेंज वायर आउटपुट एसटी कॉइल में जाता है, ये बोतल कॉइल इधर जाता है, और एक जो बचा हुआ जो वायर है ग्रे कलर का, एक ग्रे कलर का वायर आता है इग्निशन स्विच से। इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद जब किक दबाता हूँ इधर करंट आता है, वो भी मेरे को चेक करना है। तो अभी आइए वो कैसे चेक करना है और चेक करके दिखाता हूँ। मेरे को चेक करना है पहले ये पिकअप कॉइल का वायर, इधर भी उतना रीडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और थोड़ा कम भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मल्टीमीटर उधर ही सेट है कंटिन्यूटी। अभी मेरे को जो 2 वायर एक साइड में, दूसरा इधर, देखिए सेमी रीडिंग आ रहा है, उसका मतलब वायर काटा नहीं है। उसके बावजूद स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रहा है। अभी इस ग्रे वायर में बैटरी में चार्ज नहीं है, तो अभी किक दबा के भी करंट आएगा, तो इसमें थोड़ा चार्ज है बैटरी में थोड़ा, वो इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखना है। आ रहा है, अभी आपको मल्टीमीटर के जरिए से भी नाप के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए बैटरी वोल्ट नापने के लिए इधर 20 में सेट करना है, अभी 20 में सेट किया हूँ। अभी जो ग्रे वाला वायर उसमें एक डाला, और बॉडी में देखिए बैटरी में इतना ही चार्ज है इसलिए उतना ही आ रहा है, तो ये तो सही आ रहा है। उसके बाद मेरे को चेक करना है ये जो ऑरेंज वायर, इस वायर में आउटपुट करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो चेक करना है। इधर ये दोनों वायर का आपस में चेक कीजिए, चेक करने के बाद ये वायर से है तो इधर करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक कीजिए। अभी मैं ये सेट करता हूँ, ये सेट हो गया। अभी मेरे को इधर चेक करना है किक दबा के, और देखिए अब देख पा रहे हैं इधर करंट आ रहा है, मैंने तो देखा है। अभी ये जो एसटी कॉइल किसने बोतल कॉइल पे कहता है, ये कॉइल से प्लग होल्डर तक करंट नहीं जा रहा है, इसलिए अभी ये एसटी कॉइल को चेंज करना है। अभी मेरे पास दूसरा एसटी कॉइल है, दूसरा कंपनी का, दूसरा मॉडल का, अभी वो डाल के इधर करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखने वाला हूँ। आइए पहले वो दिखाता हूँ। देखिए ये मेरे पास एक बजाज का एसटी कॉइल, अभी ये इधर सेट करना है, सेट करके देखिए दूसरा साइड ये बॉडी में टच करके इधर करंट आना चाहिए, अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखना है। देखिए आ रहा है दोस्तों मैंने इस वीडियो के जरिए से जितना कम आपको बताने की कोशिश की वो ज़रूर अच्छा लगा होगा, और मैंने बाइक रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, आपको बाइक रिलेटेड वीडियो चाहिए तो जरूर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज इतना ही, बस ओके बाय दोस्तों।